this module explains why it is important to learn what is financial economics so basically when we have when we are working somewhere or we have some money or we have inherited some money or we have saved some money so it is important for us to understand and to know nicely that what are the possible ways in which i can invest माई मनी सो दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट सो फाइनेंशियल इकनॉमिक्स को पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपने अपनी एक बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं आपके पास जो भी पैसे हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स के पास हैं या आपके दोस्तों ने के लिए आप एडवाइस दे सकते हैं कि आप बेसिकली मकसद फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिले या आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करें कि किस तरह से जो भी फंड्स मिले हुए हैं हमारे पास हैं या नहीं है आपने एक फर्म फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ऑपरेटिंग अ फर्म एंड यू आर शॉर्ट ऑफ कैश आपके पास कैश नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी नहीं है तो अगैन अ प्रॉपर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू कि आप किस तरह से अपने वो जो डेफिसिट है फंड्स के अंदर उसको किस तरह से मीट कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम खर्च उठाना पड़े आपको कम से कम इंटरेस्ट uh, देनी पड़े और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके सो इफ इट बेसिकली हेल्प्स यू इन मैनेजिंग योर पर्सनल रिसोर्स इन अ बेटर वे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वैन यू यू आर ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से कोई भी बिज़नेस ऑपरेट होती है या दुनिया में आपने एक्सपैंड करना है या अभी सिर्फ अगर लोकल मार्केट में अगर आप अपना बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की मदद से बहुत बेहतर डिसीजन मेकिंग करके अपने प्रॉफिट्स को अपने बेनिफिट्स को अपने रिटर्न को बेहतर कर सकते हैं मैक्सिमाइज़ करने में आपको ये मदद देगा थर्ड इम्पोर्टेंट बेनिफिट इज़ दैट बेसिकली इफ यू हैव इफ़ यू हैव डिवेल्प्ड अ प्रॉपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग एलोकेशन ऑफ फंडस आपको फाइनेंशियल मार्केट्स को के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको एनालाइज करना बेहतर तरीके से आ गया है तो आप एक बहुत अच्छा करियर ले सकते हैं फाइनेंशियल एज एज़ ए फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट आप बन सकते हैं आप लोगों को मशवरा दे सकते हैं या आप uh, एक, एक अच्छे प्रॉमिसिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट के करियर में या कोई भी इस तरह के एक्सपर्ट के करियर में आप स्विच कर सकते हैं या जॉइन कर सकते हैं एन अदर बेनिफिट ऑफ लर्निंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इज़ दैट

तो फिर आप ये इस तरह के जो नेशनल uh, लेवल के ऊपर या लोकल लेवल के ऊपर या सोसाइटी के लेवल के ऊपर जो भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आप वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं प्लस अनदर बिग एडवांटेज ऑफ लर्निंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इज दैट इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे वॉट इज़ गोइंग ऑन फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या Uh, कोई भी बैंक्स आपको कोई शराय बताते हैं कि हमने हमारे शराय को बदल दिया है सॉफ्टन कर दिया है या टाइटन कर दिया है या इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है उसके अंदर जो डिफ़रेंट चीज़ें हैपन uh, हो रही हैं वो सारे के ऊपर अगर आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की समझ रखते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं सो दीज़ आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ

मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं उनके बारे में समझ के साथ अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं